नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने इन दिनों क्रिकेट में हाई स्कोरिंग मुकाबलों को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब वनडे में 350 और 400 रन बनना आम बात हो गया है और ये स्कोर चेज भी हो जाते हैं। वकार यूनिस ने मजाकिया लहजे में कहा कि शुक्र है कि उन्होंने इस समय में नहीं खेला और वो काफी पहले ही संन्यास ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ राजकोट में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान 350 से ज्यादा रन बना दिए। इससे पहले इंदौर वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 399 रन बना दिए थे। वहीं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के दौरान भी काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले थे। स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान वकार यूनिस से हाई स्कोरिंग मुकाबलों को लेकर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा, शुक्र है अल्लाह का कि मैं इस वक्त नहीं खेल रहा हूं। मैंने अपने करियर में खेलते वक्त कभी 400 वाला स्कोर नहीं देखा था, लेकिन अब तो ये रूटीन बन गया है। ऐसा नहीं है कि ये स्कोर बन गया तो चेज नहीं हो सकता है, इसे चेज भी किया जा रहा है। 350 वाले स्कोर भी आजकल खतरे में रहते हैं। इस बार वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है तो मुझे लगता है कि गेंदबाजों की शामत आने वाली है। आपको बता दें कि भारत में आमतौर पर पिचें बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार होती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बल्लेबाज काफी ज्यादा सफल रहते हैं। हालांकि कुछ मैदान ऐसे हैं जहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला रहता है। लखनऊ का एकाना और चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। धन्यवाद, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।